स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में आज हम पढ़ते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा और निडेरिया। सीलेंट्रेटा जो है ये इस फाइलम का ओल्ड नेम है और आजकल इसको निडेरिया नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे सीलेंट्रेटा क्यों कहा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे सील वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है कैविटी, और एंट्रॉन यहां पर ENTRON एंट्रॉन मीन्स होता है गट, गट या जिसे हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल भी। तो सीलेंट्रेटा में उन एनिमल्स को रखा गया है इनकी बॉडी में जो कैविटी प्रेजेंट है वो किसकी तरह से काम करे, गट की तरह काम कर रही है, इसीलिए इसे नाम दिया गया सीलेंट्रेटा। और निडेरिया मीन्स होता है यहाँ पर कि इनकी बॉडी के ऊपर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, इन स्टिंगिंग सेल को कहा जाता है नीडोब्लास्ट। या इन स्टिंगिंग सेल को साथ में कहा जाता है नेमेटोसाइट्स। इसीलिए इसे नाम दिया गया है निडेरिया। इस फाइलम में लगभग 9000 स्पीशीज आती हैं। स्टिंगिंग सेल का फंक्शन हम आगे देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। तो हम क्या देखेंगे यहां पर कि जो सीलेंट्रेटा फाइलम में आने वाले एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, मैरिन एनिमल्स होते हैं, मींस वो सी वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है वो कैसे हैं, मैरिन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ओबेलिया की, ओबेलिया जो है वो मैरिन है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ऑरेलिया की, ऑरेलिया जो है ये कैसा होता है, ऑरेलिया भी मैरिन एनिमल होता है। पर इसमें आपने नाम सुना होगा हाइड्रा का, तो हाइड्रा जो है वो कैसा एनिमल है, फ्रेश वाटर एनिमल है। कौन, हाइड्रा। तो यहाँ पर इस फाइलम में जो एनिमल है वो कुछ एनिमल्स कैसे हैं, मैरिन है। जैसे कि हमारे पास में क्या ओबेलिया है, ओरेलिया है, ये कैसे हैं, मैरिन एनिमल्स है, एक्सेप्ट हाइड्रा। हाइड्रा कैसा एनिमल है, फ्रेश वाटर एनिमल है। सेकेंड फीचर हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन एनिमल्स की बॉडी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल टाइप का। बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। थर्ड फीचर देखते हैं जर्म लेयर। तो सीलेंट्रेटा में आने वाले या निडेरिया में आने वाले जो एनिमल्स हैं ये एनिमल्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जिसमें बॉडी डेवलपमेंट टू जर्म लेयर से होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से, इसमें मेसोडर्म नहीं होती है। तो सीलेंट्रेटा में आने वाले जो एनिमल्स हैं या निडेरिया में आने वाले एनिमल्स जो है वो कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जो है वो कुछ इस तरह से यहां पर टू लेयर्स होंगी और एक जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको तो हम क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस बोलते हैं, इपीडर्मिस कहा जाता है। और जो अंदर की तरफ लेयर होते हैं ये बॉडी वॉल बाहर की तरफ है और जो अंदर की तरफ लेयर होती है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस।
ये कहाँ पर होती है लेयर? अगर हम इस एनिमल का स्ट्रक्चर देखें कुछ, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर माउथ होता है, और यहाँ पर ये जो कैविटी रहती है, ये जो कैविटी है वो क्या है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। और यहाँ पर जो एपिडर्मिस इस तरफ होती है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, और जो लेयर बाहर की तरफ है ये होती है इपिडर्मिस, और अंदर वाली जो है वो क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस है। और इसके बीच में यहाँ पर होते हैं क्या? यहाँ पर एक जिलेटिनस मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया, ठीक है। और ये जो इपिडर्मिस रहती है, इपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है यहाँ पर स्पेशल टाइप की सेल्स, जिसको भी हमने क्या नाम दिया? स्टिंकिंग सेल नाम दिया है। साथ ही ये सेल्स कहाँ पर होती है? इनमें टेंटिकल्स होते हैं माउथ के चारों तरफ, वहां पर भी ये स्टिंगिंग सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे इसकी सिमेट्री को। सिलेंड्रिटा में जो एनिमल्स आते हैं उनमें सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को किसी भी प्लेन से हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें माउथ रहता है ऊपर की तरफ, माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स रहते हैं। बॉडी को किसी भी प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। अभी हमने बात की बॉडी वॉल की, और बॉडी वॉल में हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक इनर साइड लेयर थी और एक आउटर साइड लेयर थी। आउटर साइड लेयर को हमने नाम दिया इपिडर्मिस, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट था? स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती है, और ये स्टिंगिंग सेल कहाँ पर होती है? टेंटिकल्स पर भी प्रेजेंट होती है, टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होती है। क्या होती है ये स्टिंगिंग सेल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं या नेमेटोसाइट्स भी बोलते हैं, क्या फंक्शन होता है? हम देखेंगे कि ये जो सेल है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से रहता है। इसमें बीच में एक ओवल टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ पर कॉइल फॉर्म में ये एक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें यहाँ पर ये पॉइंटेड हिस्सा रहता है, ये पार्ट जो रहता है वो पॉइंटेड रहता है। और इसके अंदर एक टॉक्सिन मटेरियल होता है जिसका नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन। कहाँ पर? इस कैविटी के अंदर एक हिप्नोटॉक्सिन मटेरियल होता है। तो ये जो स्टिंगिंग सेल है इनका मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है? एक फंक्शन होता है एनकरेज करना। एनकरेज का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये बॉडी को अटैच करते हैं किसी जगह से। सेकेंड फंक्शन है इनका डिफेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसका जो थर्ड फंक्शन होता है ये किस में हेल्प करते हैं? फूड कैप्चरिंग करते हैं, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, ये अपने लिए फूड को कैप्चर करते हैं। क्या होता है जब कोई एनिमी इनके पास में आता है या इन्हें जिससे फूड लेना होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर रहता है, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकलता है, और ये बाहर निकलने के बाद में उस एनिमल की बॉडी पर अटैक करता है इस पॉइंटेड पार्ट से, और ये पॉइंटेड पार्ट उसकी बॉडी में जाकर के लग जाता है, और जिससे यहाँ पर जो टॉक्सिक मटेरियल है, हिप्नोटॉक्सिन मटेरियल जो होता है वो उस एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो जब ये टॉक्सिन मटेरियल इसकी बॉडी में जाएगा तो क्या होगा? ये एनिमल जो होगा ये पैरालाइज हो जाते हैं। अगर एनिमी होगा तो जो सीलेंट्रेटा ग्रुप के एनिमल्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, और अगर फूड की तरह यूज करना है तो इसे फूड की तरह भी क्या कर सकते हैं? ये यूज कर सकते हैं। तो स्टिंगिंग सेल का मेन फंक्शन जो रहता है वो ये रहता है। और ये जो स्टिंगिंग सेल है जिसको हमने नीडोब्लास्ट कहा है या नेमेटोसाइट कहा है, ये इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं
सीलेंट्रॉन कैविटी। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि जो एनिमल्स रहते हैं इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये एनिमल्स जो रहते हैं इनकी बॉडी में ये कैविटी जो होती है, इस कैविटी को कहा जाता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। या इसी को हम बोलते हैं सीलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सीलेंट्रॉन। इसमें यहां पर एक ओपनिंग होती है, मींस यहां पर क्या होता है, माउथ होता है, और इसे माउथ बोला जाता है या साथ में इसको क्या कहा जाता है, हाइपोस्टोम भी बोलते हैं इसे, माउथ या हाइपोस्टोम। इसमें फूड को इंजेस्ट करने के लिए और एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। इसमें जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान क्या होता है, जिसमें केवल एक ओपनिंग होती है, इसमें माउथ और एनस जो होते हैं, मींस फूड को इंजेस्ट करने के लिए, वेस्ट फूड को एक्सक्रीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ओपनिंग नहीं होती है, एक ओपनिंग होती है, उसी से इंजेशन होता है और उसी ओपनिंग से इंजेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट फीचर देखते हैं इसका, टेंटिकल्स। सीलेंट्रेटा फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं इनमें इस तरह से माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स, इसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स, जिसके ऊपर स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती है। टेंटिकल्स का नंबर जो है वो अलग अलग हो सकता है, हाइड्रा में कम होता है, 5 टेंटिकल्स होते हैं। ओबेलिया को हम देखेंगे या ऑरिलिया को देखेंगे हम, तो उसमें बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। माउथ रहेगा और माउथ को चारों तरफ से कवर किए हुए क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम स्केलेटन। इनमें एक्सो स्केलेटन प्रेजेंट होता है और ये बना हुआ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और इन्हें कोरल कहा जाता है, कोरल्स कहते हैं किसको, एक्सोस्केलेटन को। किसके एक्सोस्केलेटन को, जो सीलेंट्रेटा ग्रुप में, जो सीलेंट्रेटा फाइलम में एनिमल्स आते हैं उनके एक्सोस्केलेटन को क्या कहा जाता है, कोरल कहा जाता है, जो किसका बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे इसका, डाइजेशन। इनमें डाइजेशन जो रहता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इसमें। इसके बाद में हम यहां पर रेस्पिरेशन की अगर बात करें इसमें, तो इस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं और बॉडी जो है वो वाटर से ही गैसियस एक्सचेंज करती है। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैसेस का। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी, डायरेक्टली एक्सचेंज होगा गैसेस का। इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन भी इनमें कैसे होता है, एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से होता है, डायरेक्टली होता है इनमें। और ये एनिमल्स जो है वो कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, मींस अपने में से ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं इसमें, नर्वस सिस्टम। इनमें
नर्व्स प्रेजेंट होती है, नर्व का नेटवर्क होता है, नर्व किस फॉर्म में है, नेट के फॉर्म में होती है, इसमें यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, और ये जो न्यूरॉन रहते हैं वो लूजली अरेंज रहते हैं। नर्वस सिस्टम में नर्व का नेट प्रेजेंट है, नेटवर्क बना रही है, नर्व्स जो है यूनिपोलर न्यूरॉन है, और साथ में ये जो न्यूरॉन है वो कैसे अरेंज है, लूजली अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट इस फाइलम का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं और वो है पॉलीमॉर्फिज्म। इस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं वो हमको टू फॉर्म में मिलते हैं, एक फॉर्म रहता है पॉलिप और एक फॉर्म रहता है इसमें मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म जो रहता है इसमें जो एनिमल होते हैं वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी होगी और साथ में इनकी बॉडी होती है सिसाइल। सिसाइल मींस होता है इनकी बॉडी एक ही जगह पर रहती है, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा भी किस फॉर्म में रहता है, सिसाइल फॉर्म में रहता है, सीडेंट्री रहता है, लेकिन जब उसे जरूरत होती है तभी वो लोकोमोट करता है। और यहाँ पर जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो होती है ये फ्री स्विमिंग स्टेज होती है। कैसी स्टेज है ये है फ्री स्विमिंग। इसमें माउथ एंड टेंटिकल्स जो होते हैं इसके डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है। तो जो सीडेंट्रेटा फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स टू फॉर्म में मिलते हैं, एक पॉलिप फॉर्म होता है और एक होता है मेड्यूसा फॉर्म। कुछ एनिमल्स में सिर्फ पॉलिप फॉर्म होता है जैसे कि हाइड्रा है, और कुछ एनिमल्स जो रहते हैं उनमें मेड्यूसा फॉर्म होता है। जैसे हमारे पास में जेलीफिश की अगर हम बात करें तो जेलीफिश किस फॉर्म में है, मेड्यूसा फॉर्म में है। यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं इंडिविजुअल्स जो हैं एक ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, उनको कहा जाता है जॉइंट्स। कुछ एनिमल्स सिर्फ पॉलिप फॉर्म में, कुछ एनिमल्स सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में, पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि पॉलिप फॉर्म भी प्रेजेंट होता है और मेड्यूसा फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर पॉलिप फॉर्म जो रहता है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है, इसमें बडिंग से फॉर्मेशन होता है किसका, मेड्यूसा का। मेड्यूसा से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है, ऐसे ही दूसरे मेड्यूसा जो रहेगा फॉर्मेशन होगा किसमें, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये गैमेट्स फ्यूज होंगे, जायगॉट का फॉर्मेशन करेंगे, जायगॉट से आती है लार्वल स्टेज या लार्वा स्टेज आएगी, और जिससे फॉर्मेशन होता है किसका, पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, ओबेलिया की बात करें तो ओबेलिया में पॉलिप स्टेज और मेड्यूसा स्टेज जो है वो दोनों ही होती है। पॉलिप स्टेज एसेक्सुअल स्टेज होती है, बडिंग से फॉर्मेशन होता है किसका, मेड्यूसा का। मेड्यूसा में अभी हमने देखा कि टेंटिकल्स और माउथ जो है वो डाउनवर्ड रहता है। कैसे एनिमल्स होते हैं ये, फ्री स्विमिंग होते हैं, और यहाँ पर इनमें मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, जायगॉट बनेगा, जायगॉट से लार्वल स्टेज आएगी, फिर किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलिप का फॉर्मेशन होगा, फिर पॉलिप से मेड्यूसा स्टेज आएगी, मेड्यूसा से पॉलिप स्टेज। तो इस तरह से एक बार पॉलिप स्टेज आते हैं, पॉलिप से फॉर्मेशन होता है मेड्यूसा स्टेज का, और मेड्यूसा से फिर से फॉर्मेशन होता है पॉलिप स्टेज का। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पर प्रॉपर वर्ड इसके लिए जो यूज किया जाता है वो होता है मेटा
जेनेसिस। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो जॉइंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है, पॉलीफॉर्म में भी है, मेड्यूसा फॉर्म में भी है, कुछ में लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म में ये एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और यहाँ पर मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। तो इस फाइलम में आने वाले एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं अब हम, रिप्रोडक्शन। इस फाइलम में आने वाले एनिमल्स जो हैं वो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग प्रोसेस से, इसमें जो बर्डिंग होती है वो एक्सोजीनस टाइप की बर्डिंग होती है, या कुछ मेंबर्स में फिजन प्रोसेस से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ एनिमल्स में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि जो पॉलिप फॉर्म रहता है, पॉलिप फॉर्म कैसा है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कौन सी प्रोसेस से, बर्डिंग प्रोसेस से। और जो मेड्यूसा स्टेज थी ये क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, ये फॉर्मेशन करते हैं गैमेट्स का, और यहां पर फ्यूजन होता है गैमेट्स का। मेड्यूसा फॉर्म जो रहता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स फ्यूजन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं जायगोट का। इनमें फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। तो इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो कुछ इंडिविजुअल्स में एक्सटर्नल होता है और कुछ इंडिविजुअल में कैसा होगा, इंटरनल होगा। एक्सटर्नल मीन्स फ्यूजन जो है वो वाटर में होगा गैमेट्स का, और इंटरनल मीन्स फ्यूजन जो होगा वो बॉडी के अंदर होगा। और इसके बाद में हम देखते हैं डेवलपमेंट। कुछ एनिमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और कुछ एनिमल्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स जहां पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, और इसका जो लार्वा होता है उसको कहा जाता है पेनुला, PLANULA, पेनुला कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है वो देखने को मिलता है जेलीफिश में, और इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बात की एग्जाम्पल्स की, हाइड्रा, सीलेंट्रेटा फाइलम में आने वाला मेंबर जो फ्रेश वाटर एनिमल है, जेलीफिश जिसको हम ऑरेलिया भी बोलते हैं, ओबेलिया, ये इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। तो सीलेंट्रेटा फाइलम में हमने क्या देखा, इसमें स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होती है जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। फाइलम सीलेंट्रेटा में आने वाले जो एनिमल्स है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। द सेकेंड फाइलम इज सीलेंट्रेटा ओनिडेरिया। This phylum includes diverse forms such as jellyfish, corals, and sea anemones. Coelenterates are mostly marine, except for Hydra, which is a freshwater form. They may be sedentary or free swimming. The word coelenterate means hollow gut. Coelenterates are radially symmetrical and their body has two or three layers, a gastrovascular cavity and a single opening that serves as both mouth and anus, which is usually surrounded by tentacles. Coelenterates possess special stinging cells called cnidocytes or cnidoblasts, which help in food capture, defense mechanism, and an adhesion in case of sessile coelenterates. Coelenterates are carnivorous and exhibit both extracellular digestion, that is, in the gastrovascular cavity, as well as intracellular digestion,
that is, inside the nutritive cells of endodermis. In coelenterates, the processes such as respiration and excretion occur by simple diffusion. The nervous system in coelenterates is primitive and consists of a diffuse net of nerve cells. The soft body of coelenterates may be naked or supported by calcareous exoskeleton or endoskeleton. Many coelenterates exhibit polymorphism, that is, they exist in two different body forms, a polyp and a medusa. A polyp is a tubular body form which is usually sessile, while a medusa is an umbrella-shaped free-swimming body form. Polyp represents asexual phase, while a medusa is a sexual stage in a coelenterate's life cycle. A polyp gives rise to medusa by asexual reproduction, by budding, and a medusa produces polyps by sexual reproduction, in which the fertilized egg develops into a ciliated free-swimming planula larva. This is known as alternation of generations or metagenesis. तो इस तरह से आज हमने फाइलम सीलेंटेरेटा के जनरल फीचर्स देखे. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फाइलम के जनरल फीचर्स पढ़ेंगे. थैंक यू.